गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना हम सब इंडियंस के बालों से करोड़ों रुपए कमाता है? लेकिन कैसे? दरअसल जब आप अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर आपके बालों को 2 से 6 हजार रुपए किलो के हिसाब से एक लोकल वेंडर को बेच देता है। अब लोकल वेंडर्स इसे एक बड़ी कंपनी को बेच देते हैं और फिर ये बड़ी कंपनी इसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तिरुपति बालाजी टेंपल, जहां हर साल काफी सारे भक्त अपने बालों को डोनेट करते हैं और फिर इन बालों को आगे जाकर मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा एक कंपनी को ऑक्शन में करीबन 126 करोड़ रुपयों में बेच दिया जाता है। अब जिस भी कंपनी ने इसे खरीदा है वो इन बालों को चाइना जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की सोचती है, क्योंकि चाइना में जाकर इन बालों की कीमत 10 गुना तक हो जाती है, जिससे उस कंपनी को तो फायदा होता ही है। चाइना भी इन बालों से विग बनाकर हर साल करोड़ों रुपए छापता है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? गाइस, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स आज भी जिंदा होते अगर उन्होंने ये गलती ना की होती। दरअसल साल 2003 में स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था, जो उस वक्त सर्जरी से आसानी से ठीक हो सकता था, लेकिन बावजूद इसके स्टीव जॉब्स ने कोई भी सर्जरी कराने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें सर्जरी से ज्यादा होम रेमेडीज पे भरोसा था और उन्हें ये लगता था कि अपने आप से ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्टीव जॉब्स का ये कैंसर लगातार बढ़ते चले गया और तब जाकर डॉक्टर्स के बहुत समझाने पर वो सर्जरी के लिए तैयार तो हुए, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उनका कैंसर बॉडी में बहुत ज्यादा फैल चुका था, इसलिए बाद में वो सर्जरी भी उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाई और कहा जाता है कि अंतिम पलों में स्टीव जॉब्स को सर्जरी ना कराने का बेहद अफसोस भी हुआ था। लेकिन फिर भी उनके मुंह से मरते वक्त ये 3 शब्द ही निकले थे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। गाइस, मतलब कि वो मरने से पहले अपनी जिंदगी को सफल बना चुके थे। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि अगर आज स्टीव जॉब्स जिंदा होते तो हमारे लिए और क्या क्या बिल्ड कर सकते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।